हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेके आई हूँ ये रीडिंग। एरिस के लिए ये रीडिंग है और सबसे पहले हम यहाँ पर एंजल्स की गाइडलाइन देखेंगे कि आपके लिए गाइडलाइन क्या आ रही है एंजल्स के तरफ से। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, हनुमान बाबा की ब्लेसिंग है, आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग है, मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। ओके, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहना, आपके लिए क्या रीडिंग आती है। थैंक यू यूनिवर्स। द लवर का कार्ड आया है। यस, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जो भी फ्रेंड है, जिनके भी साथ मीन्स डीप लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं और जिनके भी साथ में आपका अच्छा रिलेशन है, तो यहाँ पर जिनको भी आपने अपने हार्ट से, दिल से चूज किया है, ओके, वहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होने वाला है। और आपके हेल्थ में शायद कुछ हेल्थ का इशू भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ की भी रिकवरी हो जाएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडलाइन बहुत ही सुंदर आई है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है कि आपको ये बताया जा रहा है एंजल्स के तरफ से कि आपका जो चैलेंजिंग टाइम था, जो आपके लाइफ में चैलेंजिंग टाइम था, वो यहाँ पर फिनिश होते आया है, यहाँ पर ख़त्म होते आया है। थिंग्स आर लुकिंग अप, अ वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल, ठीक है। आपको जहाँ पर शांति चाहिए, जहाँ पर आप रिलैक्स फील कर सकते हो, वो रूट, वो जगह आपको ढूंढनी है और वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर जा सकते हो खुद के खुशी के लिए, मे भी यहाँ से उधर आप चेंज हो सकते हैं। द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, ओके, ट्रैवल भी है और रिलोकेशन, ठीक है। यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है एंजल्स के तरफ से। आप शायद रिलोकेशन कर सकते हो, ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका डिप्रेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, हो सके तो आप कहीं ट्रैवल घूम कर भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर गाइज, पॉजिटिव रहना है और रीडिंग लास्ट तक देखना है, ठीक है, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जैक्ट क्या करियर है और क्या आपको गाइडलाइन यूनिवर्स के तरफ से मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स। द टावर, यस, मुझे ये कार्ड देखते ही लगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ तो भी मोमेंट हुआ है और ऐसी जगह पर हुआ है या वहां से आपको निकलना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। यस, आपकी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट है, तो खुशी मनाओ, वेलकम कीजिए आपके न्यू साइकिल को, न्यू जर्नी के लिए यहाँ पर आपको वेलकम करना है। द टावर यहाँ पर इसलिए आया है कि आपको सेफ रखा है, आपको यहाँ पर सेफ रखा है। यहाँ पर नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ओके, और सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। यस, आप अकेले थे, आपको यहाँ से निकलना था, आप वेट कर रहे हो कि आपको कब निकले यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में नज़र आ रहे हो, आप आगे देख रहे हो कि आपको क्या है आपके लिए, क्या है जीवन आपके लिए, आगे क्या है, आपको जिंदगी में खुशियाँ चाहिए, आप उस खुशियों के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। नर्वस नहीं रहना है, जो भी हुआ है, जो भी चीज़ यहाँ पर हुई है, वो अच्छे के लिए हुई है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यस, और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर आप फोर ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच ही सोच रहे हैं,
बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स लेके खड़े हैं, आपको निकलना है, इस जगह से निकलना है, आप निकल सकते हो तो प्लीज़ निकल जाओ, ठीक है। आप रिलोकेशन कीजिए, आप ट्रैवल कीजिए, वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। आपके फैमिली के साथ में भी निकल सकते हैं, शायद आप मुझे यहाँ पर अकेले नज़र आ रहे हैं, खुद वेट करते हुए देख रहे हो कि कहाँ पर आपका रास्ता है। और यहाँ पर द टावर मोमेंट यहाँ पर बता रहा है कि यस, आपके डिजायर गोल के लिए, आपके एम्बिशंस के लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर आपको निकाला है कि आपको एक ऐसी जगह से निकाला है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। आयरिस पीपल, यस, निकाला है और वो डेफिनेटली निकालने वाले हैं। और आपको ड्रॉबैक्स या ब्लॉकेजेस कुछ भी नहीं रखना है, आपको आपका माइंड ओपन रखना है, रिसीव करना है, पॉजिटिव चेंजेस रिसीव करना है, ना कि एंजाइटी में बैठना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ है ये कि आप एंजाइटी से जल्दी निकल जाते हो, तो उसको कवर अप करो। इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसको कवर अप करो। और आपके लिए ना कुछ जिंदगी बची है, कुछ अच्छे के लिए बची है, तो उसका आपको यूज़ करना है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे आपके कार्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। द टावर मोमेंट से आपको बाहर निकलना ही है, और आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सेव करते हुए आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, द फूल, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और यहाँ पर यही कहना है कि जिस जगह पे हो वहां से अभी आपको तुरंत जैसे भी हो वहां से निकल सकते हो। जैसे ही आप वहां से निकलते हो आपकी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। आपकी जिंदगी की ये साइकिल कंप्लीट होगी। आप यहाँ पर नहीं निकलोगे तो ये साइकिल यहीं पे अटक जाएगी। यहाँ पर आप मूव ऑन नहीं करते हो तो आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आपको प्लीज वहां से निकलना है, जो कि आपके लिए वो डिजायर्ड जगह नहीं है, जो कि आपका गोल नहीं है। आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको निकलना है, यानी निकलना ही है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे क्रिएटिव माइंड से आपको निकलना है, न्यू स्टार्ट जर्नी के लिए आपको निकलना है, यही सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आपको निकलना है कि हाँ, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है, इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। वो लोगों को छोड़ देना है। द फूल का कार्ड आया है, न्यू जर्नी है, ठीक है। यहाँ पर आपके ही लोगों ने आपको यहाँ पर कहीं पर तकलीफ दी है, पास्ट की एनर्जी ये बता रही है, इसलिए आप अकेले हैं, और इसके वजह से आप पेज ऑफ कप्स, आपके जिंदगी में प्यार चाहते थे पर आपको नहीं मिला, टेन ऑफ वॉन्ड्स। और आप कुछ करना चाहते थे जिंदगी में, करना चाहते थे कुछ, पर वहाँ पर आपको नहीं मिला, जिसके वजह से आप बहुत ही कंफ्यूजन और डिफिकल्टी में आप फंस गए। आपने इनर वर्क बहुत किया और बार बार बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कार्ड्स लेती हूँ, टू टाइम्स गिरे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है और टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मिली है, जिसके वजह से आपके जीवन में यहाँ पर बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए ही ये बहुत बड़ा। यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि आपको पीछे से किसने वार किया, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और आप वहाँ वो भूलना चाहते हैं, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, आप आपकी खुद की दुनिया बनाना चाहते हैं, और इसके लिए यहाँ पर डिवाइन, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन द वर्ल्ड का कार्ड लेके आया है। यहाँ पर ये डोर ओपन कर रहे हैं, आपको आगे निकलना है, ओके। माना कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पर
डिवाइन उसकी केयर जरूर करेंगे। आप डिवाइन को मैनिफेस्ट किया करो, डिवाइन से बातें किया करो, एंजल से बातें किया करो, वो आपको जरूर उसमें से निकालेंगे। ठीक है, आपको राइट पाथ आपको मिल जाएगा। आपको एक जर्नी के लिए, आपके जो भी जर्नी है उसके लिए आपको राइट पाथ बताया जाएगा। आपको उसको, आपके इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना है, या आपका दिल जो चाहता है अभी इसी वक्त, ठीक है, जो आपने सरेंडर किया है भगवान को, तो आपके दिल में से जो आवाज आती है उसको आपको सुनना है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये पास्ट के पर्सन है। यस, मैं ठीक है, आपको एंजाइटी में नहीं बैठना है। ठीक है, जो भी आपके ट्रू लव, डिजायर लव जो भी है, ये यहाँ पर मिलने वाले हैं। मैं इनको क्लैरिफाई बाद में करूँगी, लास्ट में करूँगी, कि आपको वो पर्सन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या सिचुएशन है अभी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको इस चीज के लिए आप जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ करनी है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपको आपके ऊपर वर्क करना है, आपका इनर वर्क करना है, और आपको जिस एरिया के लिए आपको आगे बढ़ना है उस एरिया के लिए आपको काम करना है। आप पेशेंस बना के रखे हैं, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और शायद आपको आपका ट्रू लव, पास्ट फ्रेंड, ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट आपको पता चला है, और उसके लिए भी आप यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपके लाइफ में कब आएगा, इसका भी वेट करते हुए आप बहुत ज्यादा टेंस लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर टेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसको कवर अप करो। एंजल्स के तरफ से ये गाइडलाइन है। तो हेरोपंट, आपके पास में बहुत भर भर के ज्ञान है, और वाव, एस ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ वंड्स फिर से एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। तो आपने ये सब ना ब्लॉकेज करके रखा है, ये आपके इसमें है, बहुत बड़ा सक्सेस है आपके इसमें, बट यहाँ पर आप रिसीविंग नहीं कर रहे हो, आप रिसीविंग के मोड में ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये क्लियर करना है। आगे जैसे जैसे आपका इनर वर्क, जैसे जैसे आपकी ये जर्नी चलती है, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है, आपके पिछले जन्म से आया हुआ नॉलेज है, जो कि आपको इस जन्म में उसका यूज करना है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालना है। एस ऑफ कप्स आपको भर भर के यहाँ पर ये कार्ड्स इसके लिए आया है। यस, मिलने वाला है, आपको बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने परमात्मा के ऊपर और आपके खुद के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम पास्ट में जैसे धोखाधड़ी हुई है, आगे भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा करके आप विश्वास नहीं कर रहे हो। तो आपको विश्वास रखना है, आपको बहुत ही डिवाइन भी आपसे बहुत प्यार करता है। कह दो एक बार डिवाइन लव में। ठीक है, तो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको भी डिवाइन से बहुत प्यार करना है, वो आपको सक्सेस देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके फ्यूचर में सिक्स ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, पर आपको ये ब्लॉकेजेस है, आप खुद के सक्सेस के लिए, खुद के जीवन के लिए यहाँ पर डरते हुए नजर आ रहे हो, और ना ही आप आपके ज्ञान को खोल रहे हो। ठीक है, उसको ओपन नहीं कर रहे हो। अभी ये टाइम आ गया है कि आपको ओपन करना है, आपको देखना है कि आगे क्या है। किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, यही कह रहा है कि किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी यही रहती है कि एक्टिव पर्सन रहता है, प्रॉपर डिसीजन लेता है, मैच्योर रहता है, और हर चीज को बड़ी बारीकी से देखता है, और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, पैशनेट वो पर्सन रहता है, और प्रॉपर डिसीजन लेता है उनके लाइफ में। वैसे ही आपको यहाँ पर आगे रहना है, आपके ब्लॉकेजेस निकालने हैं। सॉरी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सिक्स ऑफ वंड को प्लीज क्लैरिफाई द सिक्स ऑफ वंड यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू यूनिवर्स।
बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको आगे जो विक्ट्री का कार्ड आया है सिक्स ऑफ वांड्स का, वो क्लैरिफाई ये बता रहा है कि आपको ना पेशेंस रखने हैं। आपने जो हार्डवर्क किया है, जो भी आपको हार्डवर्क करने के लिए कहा या जो आज तक आपने हार्डवर्क किया है उसके लिए पेशेंस बना के रखने हैं और आगे बढ़ना है, ना कि बस उस हार्डवर्क को देखते बैठना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ोगे। अपना हार्डवर्क किया है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, ये सोचते बैठना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको ना पेशेंस को स्ट्रेंथ बनानी है, आपकी पेशेंस आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, इनर स्ट्रेंथ इनर वर्क करना है, और ना कि पास्ट की चीजें आपको देखनी है। पास्ट जो गया है वो टोटली आपको भूल जाना है। शायद आप यहाँ पर 5 days में ये कवर अप कर लोगे, ऐसा यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर 5 5 5 बहुत दिख रहा है, मे बी आपके लिए 5 5 की एनर्जी, देख लेना एंजेलिक नंबर क्या बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 8 of cups की एनर्जी ये बता रही है, फिर से ये बता रही है, जो भी आपके पास में है ना, जितनी भी आप मीन्स आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारी खुशियां है, तो यहाँ पर आप जाते हुए नजर आ रहे हो, आप वो खुशियों को नहीं देख रहे हो, शायद वो जो भी है। फिर से द फूल का कार्ड आया है, यस डेफिनेटली आपकी न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ से आपको निकलना है। आपको डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आप निकलने वाले हो, जो भी है आप आपकी जगह छोड़ के आपके पास्ट लाइफ पास्ट पर्सन पास्ट जो भी है, यहाँ पर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, एक जगह छोड़ के आप आगे जाने वाले हो या कहीं पर प्लेस चेंज करने वाले हो। यहाँ पर दो दो तीन तीन कार्ड वही बार बार वही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही निकलते हो आपकी यहाँ पर न्यू जर्नी न्यू स्टार्ट होती है, ठीक है डेफिनेटली, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि आपको आपके जो ये पर्सन है आपके डिजायर्ड लव डिजायर्ड पर्सन ट्रू लव जो भी है वो आपको कब मिलने वाले हैं, क्या सिचुएशन है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि आपको विक्ट्री पाना है सक्सेस पाना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, आपको पास्ट लाइफ पूरी भूलते जाना है, आपको खुद के ऊपर वर्क करना है इनर वर्क करना है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द 2 of cups। ओ माय गॉड, यस ठीक है। यहाँ पर आया है 4 of wands। यहाँ पर आपको आपका ट्रू लव तभी मिलेगा जब आप एक एंजाइटी से बाहर आओगे, आप लो एनर्जी में हो तब आप बाहर आओगे, और आपको गॉड गिफ्ट कुछ ना कुछ आपके अंदर हुनर है उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे और आप एक किंग के एनर्जी में आओगे, आप प्रॉपर डिसीजन लोगे और आप प्रॉपर आगे बढ़ोगे, आप राइट पाथ पर आगे जाओगे, तब आपका आपको ट्रू डिजायर लव मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा 101%। यहाँ पर एब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं, आपके ये एब्स्ट्रैकल्स है आपका ट्रू लव मिलने के लिए, जो कि आपके पास में अभी नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको आपका प्यार चाहिए होगा तो आपको ना लो एनर्जी में नहीं रहना है, निगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, आपको वहां से निकल जाना है, जहां पर भी आपको तकलीफ है वहां से निकलना है, आपको गॉड गिफ्ट कुछ तो भी है उसके तरफ आपको ध्यान देना है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपके दिल की आवाज सुनना है और उसको फॉलो करना है। आपके बहुत सारे हाई एम्बिशंस है, हाई गोल है, सोल मिशन होगा किसी का, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, राइट वे से जाना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है और सब कुछ ठीक से आपको प्रॉपर प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आपका यहाँ पर डिजायर लव आपको मिलेगा और देन आप यहाँ पर सेलिब्रेशन करोगे। माय गॉड, यस आपको डेफिनेटली वो मिलेगा, आपका डिजायर लव ट्रू लव आपको यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यस डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बिलीव रखना है खुद पर, परमात्मा पर, और ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी कंडीशन से बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर उन्होंने आपको निकाला है। यस डेफिनेटली आपका ट्रू लव आपको मिलेगा, आपका सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना है। यस यस वन ईयर में शायद वन ईयर तक आपका सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपका आपके पूरे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे, या वन ईयर तक आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव, आपका ट्विन फ्लेम जो भी होगा आपके कम्युनिकेशन में, आपके बातों में कहीं तो भी आपको आएगा, मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हो, ऐसा कुछ तो भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पर फाइनल लास्ट में डिवाइन के तरफ से बोनस कार्ड आपके लिए क्या आता है ये देखेंगे कि आपके लिए क्या है, क्या कह रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पर लिव इन द वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, ठीक है, आपको जो ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ड्रीम नहीं करना है, आपको रियलिटी में आना है, ठीक है, आपको आपका फ्यूचर का प्लानिंग करना है, जो कि मैंने कहा है, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। आप बस सोचते यहाँ पर बैठे हो, आगे कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर डिवाइन को लग रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, ठीक है, और नेचर भी, नेचर कॉलिंग यू, आपको थोड़ा सा नेचर में जाना है, आपको देखना है कि आगे क्या है आपके लिए, ठीक है, नेचर को जाना है, ट्री के साथ में जैसे बातें करते हैं, उनके छाव में बैठना है, उनके साथ उनको देखना है, फ्लावर्स को टच करना है, लीफ को टच करना है, थोड़ा सा उनको पानी डाल सकते हो, पानी डालना है, चिड़िया पंछी जो भी होंगे उनको खाना दे सकते हैं, कुछ दे सकते हो तो वो देना है, ठीक है, दाना वगैरह जो देते हैं लाइक दिस, ओके, ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हो, और उसके वजह से आपको इट वॉन्ट्स टू टच फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर, उनके पास से आपको कुछ हीलिंग पावर मिलेगी, आपके इस एंजाइटी से, आपकी इस तकलीफ से वो आपको हेल्प करेंगे बाहर निकलने के लिए, और आपको बहुत फ्रेश एनर्जी मिलेगी, जिससे आप मोटिवेट होगे आगे बढ़ने के लिए, आपको हेल्प मिलेगी आपके जीवन में, करियर में, ओके। तो गाइज आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और जिनसे भी ये रेजोनेट होती है उन्होंने प्लीज बड़ा सा स्माइल कर देना, ओके, खुश रहना, हैप्पी रहना, यहाँ पर सचमुच सब कुछ अच्छा होने वाला है, प्लीज आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, और जो आपको डिवाइन बता रहे हैं, जो इंट्यूशन आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए प्लीज, ओके, आपके फ्यूचर के लिए और आपके ही लाइफ के लिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लव योर सेल्फ, ओके, और बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।